हेलो, वेलकम टू कमर्स सेंट्रल। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, आईटीज एंड 2022 का पेपर तो हो गया। अब काफी बच्चे थे जिनका पेपर अच्छा गया, काफी उनका खराब गया, तो हम 2022 की बात तो नहीं करेंगे, बट इट्स राइट टाइम दैट वी स्टार्ट फॉर आईटीज एंड 2023। अब जो बच्चे बीएससी सेकंड ईयर में हैं, आप लोगों के फाइनल पेपर्स आ रहे हैं। काफी मुझे जहां तक पता है कि फरवरी एंड में या मार्च अप्रैल के बीच में आपके पेपर्स खत्म हो जाते हैं, एंड फिर आप मार्च अप्रैल से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोचते हो आईटीज एंड 2023 की। सी, मैं कुछ इस वीडियो में डराना नहीं चाहता, कुछ प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ और आप लोगों तक एक छोटा सा मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आप आई टी एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हो या आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, अगर आप ऐसा एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने का एक प्लान बना रहे हो, तो इट्स द राइट टाइम कि आप अभी से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मैं समझता हूँ आपका अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर्स आ रहे हैं, आप ऑलरेडी काफी ओवरलोडेड हो, ओवर ऑक्यूपाइड हो चीज़ों को लेकर, आपके कॉलेज के एग्जाम्स, प्रैक्टिकल, जर्नल में बहुत ज़्यादा बिजी हो। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना आपको कवर करने में प्रॉब्लम होगी। अभी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रैक्टिकल आपको बात बता रहा हूँ कि जितना आप लेट प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो उतना डिफिकल्टी होती है पेपर को या सिलेबस को कवर करने में, उतनी डिफिकल्टी होती है सिलेबस को प्रॉपर रिवाइज करने में, मॉक टेस्ट देने में, उतनी डिफिकल्टी होती है कि आप लास्ट में जाके क्रैश कोर्सेज को अटेंड करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पॉइंट आउट करो और कॉन्सेप्ट समझने में। सीधे के लास्ट में प्रिपरेशन वो बच्चे करते हैं जिनका बेसिक्स बड़ा मजबूत होता है, या वो बच्चे करते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत कुछ पहले से आता है, एंड दे आर स्मार्ट इन स्कॉची बच्चे जो होते हैं, जो मिडिल एवरेज बच्चे होते हैं या बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, उन्हें अपनी प्रिपरेशन हमेशा पहले से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि लास्ट के मोमेंट में, हम लास्ट के 2-3 महीने में फॉर्मूला रट्टा मार के, फॉर्मूलेस को रट के हम अपने प्रिपरेशन को कर लेंगे और हम आईआईटी एग्जाम के पेपर को क्रैक कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस साल का पेपर जब गया था, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने मॉक टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट जब मेन पेपर आया तब उनके मार्क्स बहुत कम हो गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन, बिकॉज ऑफ वो प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, वो डर गए थे, वो कॉन्शियस हो गए थे, वो नर्वस हो गए थे। ये सारी चीजें होती हैं, ये तब होती हैं जब आप लास्ट मोमेंट में हसल करना शुरू करते हो। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप आईटी एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। देखिए, मैं जनवरी से यानी पिछले 3 महीने से एक बैच चला रहा हूँ जिसका नाम है आरंभ 1.0। नाउ दिस आरंभ 1.0 जो बैच है, इसमें हम 3 टीचर्स हैं जो मिलकर पढ़ाने वाले हैं। ये बैच मेरे ऐप पे चल रहा है, दैट इज केमिस्ट्री अनटोल्ड पे, जहाँ पे सुमित सर और मंजीत धामा सर हमारे साथ जुड़ेंगे एंड दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग विद अस। अब मंजीत धामा सर जो होंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री में मेरी हेल्प करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी हेल्प करेंगे, और सुमित सर जो होंगे वो एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने वाले हैं। तो एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होंगे वो सुमित सर हमारे ऐप पे आएंगे केमिस्ट्री अनटोल्ड पे, और उनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। इस बैच के बारे में मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, सारी चीजें कुछ छुपाना नहीं चाहता। ये बैच जो होगा वो आईटी एग्जाम, बीएचयू, डीयू, सीयू सेट का सिलेबस इंटायरली कवर करेगा। इस बैच में अगर आप आते हो, ऑलमोस्ट 70-80% आपका गेट का सिलेबस कवर हो जाता है, बिकॉज अगर आप देखो गेट का सिलेबस, सीएसआईआर नेट का सिलेबस और आईटी एग्जाम का सिलेबस, वो ऑलमोस्ट कॉमन होता है। सिर्फ गेट और सीएसआईआर नेट में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, आपको थोड़े से लेवल को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो यू समझ सकते हो 70-80% आपका जो सिलेबस है सीएसआईआर नेट का, गेट का, वो आपको इस बैच में कवर हो जाता है। अब ऑनेस्टली पिछले 2 महीने से ये बैच चलाने के बाद, और काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े, मैंने कल ही फीडबैक लिया बच्चों का कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ाया हुआ। 2 सबसे बड़े टॉपिक जिनमें बच्चे काफी डरते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ाया अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल। पढ़ाने का पैटर्न कैसा था, पढ़ाने का क्या स्ट्रेटेजी था, वो सब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ। एट ए टाइम एक ही चैप्टर चलेगा, एक ही चैप्टर एट ए टाइम चलेगा, रोज डेली रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। बहुत रेयरली ऐसा हुआ होगा, 1 या 2 बार या 3 बार ऐसा हुआ होगा जब मेरी तबियत खराब हुई होगी या मैं कहीं बाहर चला गया हूँ तब मैं वीडियो अपलोड ना कर पाया हूँ। असाइनमेंट्स प्रॉपरली मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया जहाँ मेरी जरूरत भी नहीं पड़ रही, बच्चे खुद ही एक दूसरे को रिप्लाई दे रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और उनके डाउट सॉल्व हो जा रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ पे मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। बट इस बैच का जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एक बिलो एवरेज बच्चे हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपके बेसिक्स बहुत वीक हैं, तो अब मैं कॉन्फिडेंटली, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप इस आरम 1.0 बैच में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। रीजन क्या है, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हम उठा रहे हैं, वो सॉलिड हो, वो सॉल्यूशन हो, वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, आयनिक इक्विलिब्रियम हो, एसिड बेस केमिस्ट्री हो या फेज रूल हो, कोई भी टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो एकदम स्क्रैचेस से उठा के शुरू कर रहे हैं। और हम भगा नहीं रहे हैं सिलेबस को, हम भगा नहीं रहे, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि टॉपिक्स को उड़ा रहे हैं, हम एक एक चीज को कुरेद कुरेद के समझ के अंडरस्टैंड करके, फॉर्मूलाज को सिर्फ रट नहीं रहे, हम समझना चाह रहे हैं। कि किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैं अभी देख रहा था फीडबैक में, कि सर नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन अब तक हम सिर्फ रटते थे, फॉर्मूला पढ़ते थे, आज पहली बार समझ में आया। एक एक टॉपिक्स में हमने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जहां जहां पे शायद 45 मिनट हमने इन्वेस्ट की है एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। सिंपल सा रीजन ये होता है कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हो, साइंस एक धागे की तरह होता है, अगर आप एक धागा खोल लो तो आगे के बहुत सारे धागे जो होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं।
पर अगर आप पहले ही धागे में उलझे रहोगे तो आगे के कभी धागे खोल नहीं पाओगे। तो साइंस को अगर समझना है, केमिस्ट्री को समझना है, तो सिस्टमेटिक तरीके से जाना है। और यही एक इस बैच की खासियत है कि यहाँ पे चीजें ना एब्रप्टली स्टार्ट नहीं हुई है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जगह जीओसी चल रहा है, एक जगह क्वांटम चल रहा है, एक जगह थर्मो चल रहा है, एक जगह कुछ चल रहा है, नहीं। एट अ टाइम सिर्फ एक ही चैप्टर चलेगा और वो एक ही चैप्टर आपको हेल्प, जब आप एक ही चैप्टर को एट अ टाइम पढ़ते हो, जैसे पिछले 10-12 दिन से हम सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो उसी फ्लो में होते हैं, उसी फ्लो में होते हैं। आपको पता है कि कल भी आयनिक आने वाला है, परसों भी आयनिक आने वाला है, और आपको पता है अगले 10 दिन हमें सिर्फ आयनिक पढ़ना है। असाइनमेंट मिल रहा है, टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, टेस्ट पेपर हम जनरेट कर रहे हैं खुद की प्रैक्टिस करने के लिए, आप कभी भी टेस्ट पेपर दे सकते हो। इस बैच में हम बहुत लिबर्टी दे रहे हैं। इस बैच का विजन बड़ा सिंपल सा है, इस बैच में हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने वाले हैं, ना ही सिर्फ आईआईटी जैम के लिए, वी आर प्रिपेयरिंग यू पीपल फॉर लाइफ। हम आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके बाद आपको कभी कहीं और जाके कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। एक बार आप इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, आपको इतना अच्छा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद अगर जरूरत भी पड़ेगी तो सिर्फ एडवांस टॉपिक्स के लिए पड़ेगी, कभी बेसिक्स के लिए आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर आईआईटी जैम 2023, दिस इज द राइट मोमेंट जब आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, ऑलरेडी हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, अब धीरे धीरे इन द प्रोसेस और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ते जाएंगे। बट व्हाई आई एम पिचिंग इट हार्ड कि अभी ज्वाइन करना चाहिए, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर आप अप्रैल में ज्वाइन करने की सोच रहे हो, सोचिए हमने जनवरी फरवरी में 4 बड़े टॉपिक्स उठा दिए, अब मार्च और अप्रैल में भी अगर हम 4-4 की एवरेज पकड़े तो और 8 टॉपिक्स हो जाएंगे, एम राइट? तो आप अप्रैल तक जब आओगे तो 8 चैप्टर्स आपके ऑलमोस्ट कवर हो चुके होंगे। और अगर आपने सिलेबस देखा होगा, अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री के कुल मिला के 20 चैप्टर्स हैं, अगर मैं इंक्लूडिंग मोल कॉन्सेप्ट को भी अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस बार काफी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से भी आए थे, एक दो क्वेश्चन थे जो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री से आए थे। रेडॉक्स रिएक्शन के भी क्वेश्चन हमने देखे, आईटी जैम में अक्सर पूछे जाते हैं, एंड नॉट ओनली आईटी जैम, टारगेट सिर्फ आईटी जैम नहीं है, बाकी के भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। कुल मिला के यहाँ पर अगर आप देखो तो 40 चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर्स को कवर करने के लिए। और अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, जो काम आप पिछले 5 साल में नहीं कर पाए, 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, वो हम एक साल में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप 5 साल का काम एक साल में करना चाहते हो तो आपको बहुत जल्दी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना लास्ट में फिर वही क्रैश कोर्स, वही मॉक टेस्ट, वही रिवीजन, लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स पे ही आपको डिपेंड होना पड़ेगा। हमारा ऑलरेडी सॉलिड कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, केमिकल कंप्लीट हो गया, आयनिक कंप्लीट हो गया, 4 बड़े टॉपिक्स, और अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें कंप्लीट होने वाला है वो है एसिड बेस केमिस्ट्री, ये हमारा अगला टारगेट है। एंड हो सकता है कि ये फरवरी कंप्लीट होते होते तक हम फेज रूल भी कंप्लीट कर दें, क्योंकि हमारे फेज रूल का भी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी तैयार हो चुकी है, वी विल बी अपलोडिंग फेज रूल। डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, डेली 1.5 घंटे के आसपास के वीडियो अपलोड होते हैं, कभी कभी हम स्लो हो जाते हैं, कभी हम फास्ट हो जाते हैं। इस टाइम पे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम फिलहाल हमारा स्पीड स्लो कर रहे हैं, दैट इज 22nd फरवरी को जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, 22nd फरवरी से लेके हम 28th फरवरी तक, क्योंकि ये महीना 28 तारीख तक का ही है, हम हमारी स्पीड बहुत स्लो कर रहे हैं, हम बहुत कम वीडियोस डालेंगे। हम इसलिए ये स्पीड को स्लो कर रहे हैं, हम ये हर महीने करते हैं, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लास्ट में ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो इवन स्टार्टिंग से भी थे बीच में बीमार हो जाते हैं, कोई कहीं चला गया, वीडियो मिस हो गया, कोई वीडियो नहीं देख पाए, जो हमारे साथ कवर अप नहीं कर पाते वो इस ड्यूरेशन में अपना कवर अप कर सकते हैं। अगर नया वीडियो नहीं आएगा तो बच्चे पुराना वीडियो कवर अप करके 28 तारीख तक वो हमारे साथ एक लेवल पे आ जाते हैं और फिर हम हमारी जर्नी दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हर महीने हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हर महीने हम टारगेट्स रखते हैं। इस महीने के हमारे 3 टारगेट थे, केमिकल आयनिक फेज, केमिकल आयनिक खत्म हो गया, फेज रूल बचा हुआ है जो हम इस 22 से 28 तारीख के बीच में डालेंगे, और हो सकता है यहाँ पे हम एसिड बेस भी डालेंगे, तो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाने वाली है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम जब आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हो। जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है, अगर उसके स्टार्टिंग में ही आपको जुड़ो, जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है ना, अगर आप उसके स्टार्टिंग में ही जुड़ो तो प्रिपरेशन करना इजी हो जाता है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि जो टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं क्या वो आपको मिलेंगे? जी हाँ, सी ऐप पे ना सब कुछ रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, जो भी हम अपलोड कर रहे हैं वो सब ऐप पे अवेलेबल होगा। सारे टॉपिक्स एक साथ मिलेंगे क्या? जी नहीं, हम एक साथ नहीं डालने वाले, इसकी प्रॉब्लम भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने सब एक साथ डाल दिया, कोई ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ना स्टार्ट करेगा, कोई जाके फोटो केमिस्ट्री पढ़ेगा, कोई जाके सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेगा, तो यूनिफॉर्मिटी जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। फिर बच्चे क्या होता है, कोई ऑर्गेनो का डाउट पूछेगा, कोई पीरियोडिक का डाउट पूछेगा, कोई नेम रिएक्शन का डाउट पूछेगा, और बच्चे अपने ही पैटर्न में पढ़ते रहते हैं, जहां पे यूनिफॉर्मिटी, एक इंस्ट्रक्शन, एक सेंट्रलाइजेशन चला जाता है। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि जब तक चीजें इंस्ट्रक्टेड ना हो, सेंट्रलाइज ना हो और एक प्रॉपर पैटर्न में ना हो, हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पे सारे वीडियोस आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। आप अगर आज इस बैच को ज्वाइन करते हो तो सॉलिड, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे जो हमने पिछले 2 महीने में डाले, इवन मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री भी मिल जाएगा,
ये एक्स्ट्रा हमने डाला हुआ है, तो 5 टॉपिक आप कवर कर सकते हो और एसिड बेस केमिस्ट्री भी आपको एक साथ वहां पर मिल जाएगा। तो ये आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो प्लीज ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ बैच में। बैच की इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं काफी पहले भी वीडियोस बना बना के डाल चुका हूँ आपको। मैं कहूंगा कि अगर आप आना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो केमिस्ट्री एनरोल का जो ऐप है आप प्लीज उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप प्लीज स्टोर पे जाइएगा और स्टोर पे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन वहां पे मैं दे रहा हूँ। एक है हमारा आरंभ 1.0 और एक है हमारा आरंभ 1.1। अब देखो बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैं सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता। आरंभ 1.0 जो बैच आपको वहाँ कोर्स मिलेगा, ये कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, ये तीनों आपको यहाँ पे मिलेंगी। लास्ट में हम आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स भी देंगे, लास्ट में हम आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देंगे। इट्स अ कंप्लीट बैच, यानी हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे 2023 के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। लेकिन आरंभ 1.0 जो हमने 1.1 जो हमने स्टार्ट किया है, एक आपको वहाँ एक बैच मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं, सर हमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हम कहीं और पढ़ेंगे, हम आपसे सिर्फ फिजिकल पढ़ना चाहते हैं। मे बी बिकॉज मेरे चैनल पे या यूट्यूब पे ज्यादातर मैं फिजिकल के वीडियोस डालता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के, हम आपसे सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन का भी, इस प्रॉब्लम का भी हमने सोल्यूशन निकाला है। आप आरंभ 1.1 ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगी। उसमें जितना भी आरंभ में हम फिजिकल पढ़ाएंगे वो सारा हूबहू आपको वहां पे मिल जाएगा। यू विल फाइंड एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री ओवर देयर, बट एक साथ नहीं मिलेगा। हम जैसे जैसे यहाँ अपलोड करेंगे वैसे वैसे वहां अपलोड करेंगे, जो यहाँ अपलोड करेंगे वही हम वहां भी अपलोड करेंगे। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू गो। कोर्स की फीस फिलहाल है 7999 रुपीज, ये फिलहाल कोर्स की फीस है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट 22 से लेके 28, यानी फरवरी एंड में हम मंथ एंड सेल रख रहे हैं एंड वी विल बी ऑफरिंग यू दिस एट 499 रुपीज अगर आप ज्वाइन करने की अभी से सोच रहे हो। अब ये 499 में आपको हम 2 ऑप्शन देंगे, विल बी गिविंग यू 2 ऑप्शन। या तो आप चाहो तो इसे वन टाइम पेमेंट कर सकते हो, यू कैन पे इट वन टाइम, या दूसरा मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टॉलमेंट? से इंस्टॉलमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल गूगल पे भी कर सकते हो। ये ऑप्शन हमने क्रिएट किया हुआ है। आप 1000 रुपीज, यानी 999 रुपीज आप पे कीजिए और बैच में ज्वाइन हो जाइए और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको जहां से पढ़ना है सॉलिड से पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा सबसे पहले हुआ, या आप जो भी हम करंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप उसमें जुड़ना चाहते हो, दैट्स योर विश। मतलब अभी आप लोगों के पास 4 चैप्टर का बैकलॉग हो चुका है, ये 4 चैप्टर का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दोबारा बैच स्टार्ट कर दो नया बैच, तो क्या फायदा होगा? फिर तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ना तो आपको उतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नया बैच अगर मैं मार्च अप्रैल में स्टार्ट करता हूँ तो क्या लॉजिक है उसके पीछे? अप्रैल में अगर नया बैच स्टार्ट करता हूँ तो वही सॉलिड मेरे को वहां डालना पड़ेगा, वही केमिकल भी वहां डालना पड़ेगा, तो इट्स यूजलेस ना, कोई मीनिंग नहीं हो जाता उसमें। तो फिर आपको स्पीड आपको वहां पर भी बढ़ानी है और स्पीड आपको अभी भी बढ़ानी है। तो इसी बैच में जुड़िए और इसी बैच में जुड़ के अपनी स्पीड को स्पीड अप कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो बैच जितना लेट स्टार्ट होता है उसमें उतना हमें फास्ट सिलेबस कवर करवाना पड़ता है, तो उसमें हम उतना टॉपिक्स को काटेंगे, उतना टॉपिक्स को खाएंगे और टू द पॉइंट बात करना स्टार्ट करेंगे, हम आपको प्रॉपर डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो आप इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, आप इस बैच में ज्वाइन हो जाइए और इसके बाद आपको मंथली 999 का 5 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। यू विल बी हैविंग एन इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल। अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हो दैट्स ऑल्सो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे करना चाहो आप उसको यूज करके हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ क्वेरीज है, तो आप ऐप में ही आपके पास एक चैट बॉक्स मिलेगा, यू विल फाइंड अ चैट बॉक्स। आप उस चैट बॉक्स में जा सकते हो और चैट बॉक्स में जाके वहां पर हमें मैसेज कर सकते हो। अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको बहुत जेन्युइनली कुछ सीरियस मुझसे बातें करनी है तो मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे मैं आपको हमेशा नहीं मिलूंगा, बढ़िया आप अगर इस नंबर पे मैसेज छोड़ देते हो कि मुझे योगी सर से बात करनी है या बैच से रिलेटेड कोई आपको बात करनी है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या चैट छोड़ सकते हो, ऑडियो मैसेज छोड़ सकते हो। प्रिफर करना ऑडियो मैसेज, क्योंकि ऑडियो मैसेज मैं यहाँ वहाँ जाते जाते सुन लेता हूँ वॉक करते करते काम करते करते। टेक्स्ट मैसेज यूजुअली मैं भूल जाता हूँ और मैं आपको ऑडियो में रिप्लाई कर दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या टीम का जो भी मेंबर होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। बट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जेन्युइनली सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो प्लीज आप इस बैच में हमारे साथ अब भी ज्वाइन हो जाइए, दिस इज द राइट मोमेंट। मैं हर महीने कहने वाला हूँ कि ज्वाइन हो जाओ। हर महीने आप सोचोगे यार आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ अगर आप 499 एक साथ नहीं पे कर सकते हो, आप नहीं पे कर सकते, आप 99 रुपीज यानी 1000 रुपीज पे करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इंस्टॉलमेंट पे करने में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। सी मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप सही टाइम पे जल्दी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करो ताकि लास्ट मोमेंट पे वो गड़बड़ वो हसल ना हो, हम यहाँ वहाँ ना भागे चीजों को लेके, हम पहले से वेल प्रिपेयर रहें।
ठीक है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, इस इन्फॉर्मेशन को बाकियों के साथ शेयर कीजिए, ऐप पे आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आरंभ 1.0 अगर आपको वहां दिखेगा स्टोर में, आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। मार्च से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी फरवरी हम लोगों ने सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया, मार्च और अप्रैल ये दो महीने आपको सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हम पढ़ाएंगे, जिसमें पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम मेन मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे, और हो सकता है उसमें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट टू मंथ जो होंगे वो फिर से पावर पैक होने वाले हैं, आपके यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज की पढ़ाई आपको साइमल्टेनियसली करनी रहेगी, उसमें हम अभी हम हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से सिलेबस को नहीं चला सकते, हमें एक सेंट्रलाइज सिलेबस को चलाना होता है, आईआईटी जैम बीएचयू डीयूसीयू सेट के रिलेटेड जो हमारा एग्जाम सिलेबस होता है हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी कैसे प्रिपेयर करना है वो आपका सरदर्द होगा, उसमें हम आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में ना जाने कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और हर यूनिवर्सिटी में एट अ टाइम अलग अलग सिलेबस चल रहा होता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हेल्प करूं, या मैं आपको जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आने वाला है, और जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे वो सीधी सी बात है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो यूज होगा, ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री अलग है और हम जो पढ़ाएंगे वो केमिस्ट्री अलग है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक, सब कुछ एक ही है, बस अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप प्रिपेयर करने की सोच रहे हो प्लीज इसको थॉट देना एंड इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ताकि उनका भला हो जाए और लास्ट मोमेंट हो या वहाँ पे ना भागे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।